मैं उनका बयान भी सुना और जो वीडियो उन्होंने बताई वो भी सुना। वो वीडियो मुझसे ही मुंसलिक है। 15 अक्टूबर 2022 जब 12 नवंबर के तमाम बेगुनाह लोग हाईकोर्ट से जामीन मंजूर होने के बाद रिहा हुए तो मालेगांव शहरियान ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और वो शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ तक सब आए। मैं खुद भी साथ में था, हजारों लोग आए क्योंकि सब लोग जानते थे कि गया लगभग साल भर से वो लोग अरेस्ट थे और बेगुनाह लोग थे। उसमें हमारे रिजवान भाई बैटरी वाले थे, नासिर खान थे और भी बहुत से लोग थे। नितेश राणे को हमारे यहाँ खाली ठंडे बैठे हैं, ठंडा तेल खानदानी बनाते। मालेगांव में कुछ लोग गर्म तेल भी बहुत अच्छा बनाते, वो जैसा यूज़ करना चाहे उसको वैसा यूज़ कर सकते, मगर उनके कान में डाल लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं था, वो नासिर खान जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, ऐसा कुछ लड़के वहाँ नारा लगा रहे थे और वो उसको पाकिस्तान सुन रहे। वो मेरे ख्याल से सोते उठते उनके कान में पाकिस्तान पाकिस्तान ही उनको सुनाई देता। मुझे लगता उनको ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई कि नासिर खान भी उनको अब पाकिस्तान लगने लगा। तो उन्होंने उनके कान में तेल डालना चाहिए, नहीं तो वो अगर मालेगांव आएंगे तो हम उनको ऐसा तेल दे सकते जो हर तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते। मगर इस तरह का झूठ फसाद फैलाना जिससे शहर के हालात ख़राब हो और शहर बदनाम हो, ये धंधा नितेश राणे ने बंद करना चाहिए। इसके लिए हमने उनको नोटिस दी है और अगर कोर्ट में हमारा केस एक्सेप्ट होता है और वो यहाँ आएंगे तो उनको हम बताएंगे। वो वीडियोज़ मेरे पास भी है। अब जो भी बात उनसे होंगी अब कोर्ट में ही होंगी कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था कि नासिर खान जिंदाबाद का नारा था, उनको अब ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कोई भी बयान बहुत सोच समझ के देना चाहिए। यहाँ सरकार की खुद की पुलिस है, उनके पास भी उस वक्त वो वीडियोज़ आई होंगी। उस वक्त भी मैंने उस मामले में बातचीत की थी, उसकी क्लियर रिपोर्ट बन गई है। उन्होंने अपनी पुलिस से, क्योंकि वो खुद सरकारी पार्टी में है, अपनी पुलिस पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि पुलिस जो है वो शहर का और महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर देखती है, उस पर काम करती है। तो उन्होंने पहले अपने पुलिस वालों से कोई भी चीज़ की डिटेल में बात करना चाहिए, उसकी मालूमात लेना चाहिए। कोई भी आऊँगा पाऊँगा मालेगांव का कौन कुछ लोग हैं जो कुछ भी गलत सलत उनको रिपोर्ट दे रहे हैं और वो वहाँ से बैठे बैठे उस पर बात कर रहे, ये सरासर गलत तरीका है। अब या तो वो कोर्ट में इसका जवाब देंगे या कान में तेल डालेंगे। कमेटी बनाए जो इल्ज़ाम लगाया गया प्राइवेट कंपनी की तरफ से वो बेबुनियाद है, उस पर हमारे भी कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं और हम डिटेल में उस पर मीडिया के सामने आकर बातचीत रखेंगे ताकि हम अब खुद चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी इसकी इंक्वायरी करे कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। क्योंकि ये कंपनी अब जो है ये फिरका परस्तों से मिलकर इस शहर को बदनाम भी कर रही है और इस शहर को लूट भी रही है। अब ये साजिश कर रहे हैं इस तरह की। अगर सरकार कोई कमेटी बनाई है तो मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ, या जो भी लोग अगर आएंगे मैं तो चाहता हूँ कि कोई और कमेटी बने और इस पर डिटेल में बातचीत हो। ये बेबुनियाद बात है और जल्द ही हमने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट हम मालेगांव शहर और सरकार के सामने रखेंगे। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।